फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और आज गणेश चतुर्थी का नौवां दिन है। 31 अगस्त से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई थी, तो पहले सब आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और पूरे हिंदू धर्म के लिए काफी इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है, तो आपको अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए और हर फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। तो अभी हम लोग आ रहे हैं मंदिर से लंगर खा के, और कल 10वें दिन विसर्जन होगा। तो कई लोग छठी पे भी विसर्जन कर देते, बड़ी धूमधाम से पहले वो स्थापित करते। पहले दिन 31 अगस्त को लोगों ने अपने घर में गणेश जी के मूर्ति को स्थापित करा था, और नदी या कोई भी जो जहाँ पे भी चलता हुआ पानी होता है वहाँ पे उसका विसर्जन होता है। तो हमारे जो सोसाइटी वहाँ पे कल गणपति जी का विसर्जन होगा, तो काफ़ी अच्छा रहा ये 10 दिन रेगुलर लोगों से शाम को मंदिर में मिलना। और ढोल नगाड़े बजते हैं उसके साथ ही, तो ये कैसे 9 दिन निकल गए पता ही, तो ये 9 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं लगा। काफ़ी हमने एंजॉय करा, और आगे अभी और फेस्टिवल आने वाले हैं। करवा चौथ आएगा 13 अक्टूबर को, फिर दशहरा आएगा उससे पहले 5 अक्टूबर को, और अभी काफ़ी फेस्टिव सीजन है। नवरात्रि उससे पहले भी सितंबर में तो श्राद्ध हैं, तो हमें हर बारे में हर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आज 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है, और आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में मोस्ट रिलेटेड स्टेट है केरला। केरला में सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ, मैं जैसे कोची 2020 में विजिट करी थी, मैंने कोची गई थी मैं, वहाँ पे इवन जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर होते हैं ना वो भी इतनी अच्छी फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हैं, तो बहुत वहाँ पे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी कि ना काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को लेके, अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं। और हर जगह स्कूल, इवन वहाँ के सरकारी स्कूल आप देखेंगे गूगल पे कभी भी सर्च करके देखिएगा, मोस्ट जो एजुकेटेड स्टाफ और जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे करके दिखाते हैं वहाँ के, हर टीचर बहुत ज़्यादा सिंसियर। इवन कितने किलोमीटर लोग वॉक करके जाते हैं बच्चे सरकारी स्कूल में, लेकिन वहाँ की पढ़ाई मैंने देखा पास से देख के, मैं 4-5 दिन जब मैंने स्टे करा था काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी। और अगर कोची ट्रिप के बारे में बात करूँगी तो मुझे अच्छे से याद है MG रोड है जो महात्मा गांधी रोड है, वहाँ पे जो वहाँ का डोसा और जो इलायची की चाय मिलती थी ना सोना रेस्टोरेंट में, वो बहुत ही बेहतरीन थी। मैंने वो एक ऐसा स्टेट देखा था जहाँ पे आप इतने अच्छे पॉश रेस्टोरेंट में सिर्फ 35 रुपये में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वो 10 रुपये की चाय देते थे और 25 रुपये का डोसा था जो कि बहुत ही बढ़िया था, और इतने अच्छे से उनकी फ्रेश प्रिपरेशन होती थी। तो हर जगह से हम एक्सपीरियंस गेन करते चलते हैं, उनकी मेमोरीज आप अपनी स्टोर करते चलते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके अलावा हम लिटरेसी के ऊपर बात कर चुके, और अभी आज ओनम त्यौहार का भी सेलिब्रेशन है, वो भी केरला में मनाया जाता है। केरला से इसकी स्थापना हुई थी, केरला के एक वामन मंदिर है वहाँ पे इसको ओनम को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फेस्टिवल के बारे में, ओनम फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, तो केरला में इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। कोची के जो वामन मंदिर वहाँ पे इस्टेब्लिश है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और जैसे हरियाणा पंजाब में वैसाखी में अच्छी फसल होने पे हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फसल कटाई पे वैसाखी मनाते हैं, ऐसे ही केरला में वहाँ पे जो फसल होती है इस टाइम पे होती है बहुत अच्छी, और उसकी कटाई पे भगवान का शुक्रिया करने के लिए ओनम सेलिब्रेट करा जाता है। तो हर त्यौहार की और हर इवन स्टेट की अलग अलग तरीके से लोग अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, हर कम्युनिटी के फेस्टिवल अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें अच्छा ये लगता है जब हर कम्युनिटी के लोग एक साथ मिल के इकट्ठे होकर जब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम लोग हरियाणा में होली दिवाली को अपना इम्पोर्टेंट त्यौहार मानते हैं, ऐसे हर स्टेट में कोई कोई कुछ भी मानता है, लेकिन गणेश चतुर्थी एक ऐसी फेस्टिवल होता है जो ओवरऑल इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया होगा, सबसे पहले हम दिवाली की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की अर्चना करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हम पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की नींव रखने से पहले हम उनको याद करते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से चले और हमारी फैमिली में हम लोग अच्छे से उभरें और परिवार भली भांति फले फूले। तो ये सब था आज के व्लॉग में, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जिन्हें भी हमारा व्लॉग या हमारी वीडियोस देखना पसंद है उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मिलती है, मोटिवेटेड होते हैं, तो डेफिनेटली हिटफिट अहलावत को सब्सक्राइब करेगा। मैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी।